अल्लाह, पूरे मोहल्ले को तिगनी का नाच नचा के रखा है डिबरी जैसी लड़की ने। हम तो समझे थे पुलिस उसी को धरने आई है। बताओ सर, शीदे को पकड़ के ले गई। सही कहते हैं, एक औरत चार मर्दों को जहन्नुम में ले। क्या हुआ, कुछ पता चला कि पुलिस किस चक्कर में आई थी? हाँ, वो शीदे को उठा के ले गए। उसकी माँ ने शोर मचा के पूरा मोहल्ला सर पे उठा रखा। अब आपको जरूरत नहीं है जाके हमदर्दी जताने की। बस हम क्यों जताने लगे हमदर्दी, पर वो शमीम खाला है ना, अपने हाथ की गरम गरम खीर खिलाती है हमें। बस दो मिनट में उनकी खैरियत पूछ के आए हैं। खबरदार, एक कदम भी आपने घर से बाहर नहीं निकालना। बहुत अच्छी तरह जानते हैं कितनी हमदर्दी है आपको। बस आस पड़ोस से कंसुइयां लेने की आदत है। हम तो कहते हैं जब पानी सर से ऊंचा हो जाएगा ना, फिर होश में आएंगे। अरे भाई, कैसी बातें कर रही हैं? हमारा क्या लेना देना इस गिरफ्तारी से? हम ठहरे शरीफ दीनदार लोग, हमारा क्या ताल्लुक इनसे? हमारा ही तो ताल्लुक और वास्ता है। हम जैसे नेक शरीफ और दीनदार लोगों के किराएदार हैं। और देखे सर, कितनी पहुंच है, कितने लंबे हाथ हैं। बेचारे शीदे को अंदर करवा दिया उन्होंने। नहीं, मैं समझा नहीं आप कहना क्या चाह रही हैं। बड़ा ही आसान सा मतलब, इन्हीं लोगों का किया धरा है, शीदे को इन्होंने ही अंदर बंद करवाया। हाय अल्लाह, हमारा तो दिल बंद हो रहा है। आप भी गए थे ना अपना रिश्ता लेके। चुप हो जाएं, खामोश हो जाएं, आहिस्ता बोलें, कोई सुन लेगा तो नया बखेड़ा शुरू हो जाएगा। अकल भी इस्तेमाल किया करें। मजाजी खुदा के बारे में कुछ भी वॉल फॉल बकती रहती है।